रोजड़ा में लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, फुटपाथ के दुकानदारों में मचा हड़कंप। समस्तीपुर जिला के रोजड़ा शहर में जाम से निजात दिलाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान एक सप्ताह से जारी है, फिर भी प्रशासन की चेतावनी को अतिक्रमणकारी नजरअंदाज कर रहे हैं। इस अभियान में नोडल पदाधिकारी डॉक्टर लाल बहादुर यादव एवं काफी संख्या में रोजड़ा थाने की पुलिस बल नाली के ऊपर लगाई गई, दुकान को दुकानदारों को हटाने का चेतावनी दे रहे हैं। सड़क पर बाइक एवं टेम्पो खड़ा करने वाले को नगर पंचायत की तरफ से चालान काटा जा रहा है ताकि जाम से निजात मिल सके। चेतावनी के बाद भी रोजड़ा शहर में कई ऐसे दुकानदार हैं जो सड़क के किनारे बने नाले के ऊपर अपनी दुकान चलाते हैं। इतना ही नहीं, ठेले पर फल और सब्जी वाले दुकानदार को भी जहां मन किया वहां अपना ठेला खड़ा कर दुकान चलाते हैं। इन वजहों से जाम रोजड़ा शहर में जाम काफी देर तक लगा रहता है। बाइक सवार एवं चार चक्के वाहनों को जाम में फंसकर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नोडल पदाधिकारी डॉक्टर लाल बहादुर यादव ने कहा कि अभी हम लोग लगातार चेतावनी दे रहे हैं। हम लोग दुकानदारों से अपील कर रहे हैं कि नगर पंचायत का जो नाला है उसके ऊपर सामान रखकर दुकान नहीं चलाएं। अगर चेतावनी के बाद भी दुकानदार नहीं मानते हैं तो नाले को ऊपर लगे सामान को जब्त किया जाएगा, उसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई भी करेगी। पलटन सानी संवाददाता समस्तीपुर की ये रिपोर्ट। जाम से निजात के लिए हमारे नगर पंचायत को आदेश हमारे माननीय अनुमंडल पदाधिकारी और पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी के दिशा निर्देश में हमारे ईओ राजपाल पदाधिकारी का आदेश में प्रतिनिधि किए गए हुए मजिस्ट्रेट में और उनके बिहाफ में हम मजिस्ट्रेट में या नोडल अफसर में काम कर रहे हैं और दोनों ओर हमारे नाला जो नगर पंचायत का नाला है उसके ऊपर जो उसको फ्री रहना चाहिए, उसके ऊपर कोई भी सामान रख करके सामान बेचेंगे उसको हम लोग जब्त कर लेंगे और सख्त कार्रवाई हमारे पुलिस प्रशासन हमारे थाना प्रभारी महोदय इसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं और बहुत तन मन से हम लोग मदद करते हैं और हमारे और ये हमारा अनवरत SDO साहब का आदेश है कि एक ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। इसके बाद लोग नहीं मानेंगे तब SDO साहब अपने बल प्रयोग से उन लोगों का सामान को कैप्चरिंग किया जाएगा, उसको कथित कर थाना भेजा जाएगा तो वो रूप बनेगा। अभी हम लोग नॉर्मल रूप में लोगों को समझा बुझा रहे हैं और तो इसमें मान जाए तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो प्रशासन का जो अंतिम अस्त्र होता है वो उसका प्रयोग किया जाएगा और इससे हमारा बाजार में जो भीड़ की जो भीड़ जो लगती है उससे सुविधा होगी और यातायात में लोगों को भीड़ से निजात मिलेगा।